पिंड धौलपुर कला सरपंच वालों अपनी व्याही धी दे सहुरिआं उपर लगाए गए गंभीर इल्जाम, प्रशासन नूं लगाई इंसाफ दी गुहार। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं ओम प्रकाश गब्बर वालों आख्या गया कि जो काल वाल्मीकि संगठनां वालों धरना प्रदर्शन दी दित्ती गई है, उस धरना प्रदर्शन दा वाल्मीकि तीर्थ धुना साहिब ट्रस्ट दा कोई लेना देना नहीं है। सितारे चैनल दी रिपोर्ट। उन्हें तो उदिया भैनों ने बड़ी मार कटाई की है, तो मार कटाई करके दो ढाई साल हो गए उन्होंने घरों कढ़ दिता वा, कार की मांग करते ही। अज अं इतने बाबा जी को आए हैं कि एक तो जो सा वाल्मीकि भाईचारा ये पुछते नहीं गए, वो गलत रस्ते से जाके अं भी वाल्मीकि हाँ, तो एक धी के मसले के आ के वो नजायज़ फायदा उठा डे आ, धी के मसले के आ के धरने ला डे ने, साडे खिलाफ ला डे ने। उन्होंने पूछना चाहिए वा कि धी का मसला वा कितों गल चली आ, कितने गल मुकी आ। इस करके सानू बड़ा दुख है साडे वाल्मीकि भाईचारे के उत्ते कि तुम पुछते नहीं धियां के मसलों के ना आया करो। हूँ तुम की चाहते जी? हाँ जी, मांग की थोड़ी? साड़ी मांग यह है कि साड़ी बेटी जी वो अपना घर लै जाने। ये जैमल डॉक्टर जैमल जरा वा साढ़े तो झूठे पत्ते करा वा, ये मेरे भरा तो आ बच्चे नाल मेरिया जी भरा दिया घर दें ही, उन्होंने घर उन्होंने मना गए ही, तो उन्हें कहा भी साढ़े घर उत्ते आ गया हमला किया, जो कि निके निके बच्चे तो जनानियां गई ही, इस करके उन्हें झूठे निजाम लाया, तो साढ़े घर आकर उन्हें हमला किया ही, अं उन परचा कराया, वो साडा परचा खारज करा डाया वा, क्योंकि गुनाह आ रहा उन्हें आके बहुत हमला करके सानू सट्टा भी उन्हें लाइया ही। इस करके अं आने भी मांग करते हैं भी साडा परचा ना खारज किया जाए, जिहड़ा ये घर उन्होंने मनाउन गए ने सुलह सफाई कराउन गए, इन्हां दे परचा कोई ना किया जाए भी। यह उम्मीद है जी बाबा जी साडे नाल आ, गब्बर जी ने नाल होर संगत आ साडे नाल, ये झूठा वाल्मीकिया बन के ते साडे ते परचे कराउंदा साडे खिलाफ धरने लाउंदा वा, ये ठीक है। अं यो मंग वाल्मीकि भाई समाज तो करते हैं भी साढ़े तो कोई यहोजा एक्शन ना लिया जाए भी, ठीक इस करके। अज धौल कलां तो साड़ी कमेटी के धरना, क्योंकि डॉक्टर जैमल सिंह कोई रियल डॉक्टर भी नहीं, भरा जो लड़की बही है ढाई तीन साल तो उन्होंने घरों कढ़िया गया, उन्होंने इन्हें तो झूठा इल्जाम ला के साढ़े घर जनानियां पै गई पै गई, वो भी सारा झूठा झूठ गया। उस तो बाद उन्होंने घर आके उन्होंने अटैक किया, गोली चलाई, इन्होंने परचा कराया, घट तो घट काफ़ी देर जेल जी रह के आया। उस वाल्मीकि समाज गुमराह करता है कि मेरी उत्ते जाली परचा होया, उसनु खारज किया जाए। इतने तक कि कुछ लोग परने पा के सरूप पा के थाने जाके लोगों थ्रैट करते हैं। प्रशासन मैं बेनती करना चाहता योजे लोगों सा कोई संबंध नहीं, भगवान वाल्मीकि आश्रित धुना सत्रस्त संत समाज धार्मिक नीतियां से गल 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 करते हैं, धार्मिक नीतियां की ही हेल्प करते हैं। योजे जाली फराडी लोग हैं जिड़े किसी के कहते थोड़ी बेअदबी महाराज की की सौदेबाजी करते पैसे लेंदे आ, लेकिन मैं बेनती करनी चाहना वा कि जोड़ा पैसे उन्होंने देगा वह भी उन्ना ही गुनाहगार होगा जिन्ना पैसे मंगने वाला गुनाहगार होगा। हाँ ये कह के अनजाने जाने अनजाने भी क्यों गलती हो गई, पावन वाल्मीकि तीर्थ आके वो गुरु महाराज के कोलों आशीर्वाद लवे, माफ़ी मंगे, तो इस तो बड़ी कोई गल नहीं है। धन्यवाद, जय वाल्मीकि हर बार। डॉक्टर जैमल का भरा जोड़ा है फौजी आ, 70-80 हज़ार तनखा लेंदा वा, कुछ ना डिमांड भी की गड्डी तो बहुत बहुत ताजी, लेकिन वो ब्लैकमेल इन्हों करते हैं, तंग करते हैं, बेटी घर बसाना चाहती है, वह बेटी रखना नहीं चाहते। असी बिल्कुल लड़की वाले के नाल हाँ, क्योंकि धार्मिक नीतियाँ धार्मिक संस्था हमेशा लड़की वाले की मदद करती है, असी इन्हें ना मोढ़े ना मोढ़ा जुड़ के खुलवेंगे, जिहड़ा इन्हें ब्लैकमेल करेगा वो असी खिलाफ चलेंगे, नाले उस बंदे का इस तीर्थ नाल कोई संबंध नहीं है।